तो गाइज आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आया हूँ मैं अभी जोरजो पुल, और जोरजो पुल में आसपास मुझे कोई बंदा दिख नहीं रहा है वैसे। तो पहले तो गन लूट लेते हैं जो अपना सबसे पहला काम है, उसके बाद देखते हैं कहाँ पर है बंदे। तो गाइज ये वाले कंटेनर लूट के मैं जैसे ही जा रहा था कि सामने से मुझे एक बंदा आता हुआ दिखता है, जो कि पहले तो मेरे को बोट लगता है, लेकिन वो बंदा था लेकिन खाली हाथ था, मारा गया आसानी से यहाँ पे। जोरजो पुल लूटने के बाद मैं जा ही रहा था कि तभी यहाँ से गोलियों की आवाज़ आती है गटका से। वैसे यहाँ पर जोन तो नहीं था, और यहाँ पर हमारा 4 नंबर भी फिनिश हुआ था थोड़ी देर पहले, तो मुझे लगा यहाँ पर बंदे होंगे। तो लेकिन यहाँ पर कोई फुस टैपा नहीं रहे थे, तो रोक के देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे ही ऊपर आया मैं, पीछे से आए फुस टैप, और इसको यहीं पर नॉक और फिनिश। नाम तो इसका बंदो जैसा, लेकिन पता नहीं बोट था क्या था, इसको मैंने मौका ही नहीं दिया। और नीचे एक और बोट आ चुका है, तो इस वाले बोट को भी फिनिश कर दिया यहाँ पर मैंने। लेकिन अब भी मेरे को यहाँ पर शक था कि कोई ना कोई बंदा तो यहाँ पर और कैंप करके बैठा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल भी उस टाइप नहीं दे रहा था, तो देखते हैं उसको भी। और यहाँ पर जैसे ही इस वाले घर में मैं आता हूँ, मेरे को ऊपर से आवाज़ आती है, और ये देख हमारे विक्टर भाई साहब, हमारे ही छोटे भाई यहाँ पर आराम से घिसट रहे थे। तो इसको नोक और फिनिश डाल देंगे अभी जल्दी से, क्योंकि ये हमारा भाई, हमको ही कहीं पर नुकसान कर सकता था नहीं तो। तो वहाँ से हम सीधा जाते हैं पोचंकी में, और पोचंकी में भी यहाँ पर भाई साहब गाड़ी लगी हुई थी, और यहाँ पर बंदे भी थे। ये देखो एक तो यहाँ पर कैसे खड़ा हुआ है, पहले तो मेरे को लगा था ये ऑफलाइन है, लेकिन ये ऑनलाइन था, तो इसको तो आसानी से नॉक आउट। लेकिन ये वाला जरूर ऑफलाइन था भाई साहब, अगर ये वाला जिंदा होता तो यहाँ पर मैं जिंदा नहीं होता अभी, मेरे को पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, ये बिल्कुल सामने खड़ा था मेरे, ऑफलाइन हो गया था शायद ये। तो यहाँ पर तो ये दो ही बंदे थे, और देखते हैं कदा और मिल गया तो। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों बंदों को फिनिश कर दिया था, और अब मैं यहाँ से जैसे ही निकलता हूँ सामने दिखता है एक बंदा जो कि ऑफलाइन हो चुका था शायद। इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाता हूँ, लेकिन कोई असर नहीं होता इसको, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। तो इस बार तो ये फिनिश हो गया शायद, ये उनकी टीम का था, और इनकी टीम के पता नहीं दो बंदे कैसे ऑफलाइन हो गए। और जब तक हमारा 3 नंबर भी नॉक हो गया, और फिनिश भी कर दिया किसी ने उसको, और 3 नंबर तो हमारा पता नहीं कहाँ फिनिश हुआ, लेकिन 2 नंबर के पास अभी फिलहाल बंदे हैं, तो 2 नंबर के पास चलते हैं जल्दी से। और बोट था ये तो, लेकिन गाड़ी भी आ गई है, और ये अरे भाई साहब इतना ज़्यादा डैमेज दिया मैंने इसको, लेकिन मुझे नहीं पता था गाड़ी सलमान भाई चला रहे, तो सीधा ठोक के मेरे को चले गए यहाँ से। तो अभी नेक्स्ट मैच स्टार्ट कर लिया था मैंने, और मैं आया था पोचंकी में, साइड में यहाँ पर 2 बंदे लड़ रहे हैं, बाकी काफ़ी ज़्यादा बंदे आए हुए हैं यहाँ पर, मैंने थोड़ी लूट कर ली है। और मैं उस तरफ आराम से जा रहा था, तभी मेरे को यहाँ पर ऑफलाइन बंदा दिखता है, तो पहले इसका किल लिया आराम से, पीछे से आ जाता एक बोट। तो यहाँ पर बोट को भी मैंने आसानी से फिनिश कर दिया, और अपने 2 किल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर साइड में अभी एक तो स्क्वाड लड़ाई कर रही है, जो कि अब मेरे ऊपर रश करने वाले सीधा। तो इस घर में बंदे आ चुके हैं, इनको नहीं पता था मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं प्री फायर देकर इनको बता देता हूँ। एक बंदा आता है, इसको नॉक करता हूँ स्पाइरल से, और दूसरा जाता है भाई साहब एस के से, और यहाँ पर 1v2 हो जाता है। तो यहीं पर एकदम से मेरे 4 किल हो जाते हैं, अभी ऊपर से भी गोलियों की आवाज़ आ रही थी, मैं सीधा ऊपर चला जाता हूँ किल लेने के चक्कर में। एक बोट जाता हुआ दिखता है, और भाई साहब यहाँ पर एक और फ्री का किल। तो ऊपर तो और ज़्यादा बंदे नहीं थे, तो मैं सीधा यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ से मेरे को फुस टैप आ रहे थे, और वो देखो बंदा आएगा, तो थोड़ा यहाँ पर कैंप करते हैं, क्योंकि इसको कोई अंदाज़ा नहीं मैं यहाँ पे हूँ। और यहाँ पर ये भी फिनिश, तो 6 किल हो चुके हैं हमारे इसी एक जगह पर यहाँ पे। और वहाँ पर उन बंदों को फिनिश करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर जोरजो पुल में, और यहाँ पर ये देखो अभी क्या होने वाला है। ये बंदा मेरे को दिख भी नहीं रहा था, और उसको पता नहीं मैं कैसे दिखा,